This is something very encouraging. Like all the children have done well and they have been promoted to class 12. And I would like to make one thing very clear. कई बार ऐसा होता है कि parents के मन में ये बात रहती है कि बच्चों ने शायद इतना अच्छा नहीं किया होगा लेकिन रिजल्ट को ठीक रखने के लिए सभी को प्रमोट कर दिया है. मैं ये चीज़ आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि जो ये बच्चे पास हुए हैं ये प्योरली मेरिट के ऊपर पास हुए हैं. कोई फेवर नहीं किया गया. आंसर शीट को थरली चेक किया गया और कभी भी आप स्कूल में आकर उन आंसर शीट को मांग भी सकते हैं. हम आपको प्रोवाइड करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट प्रोवाइड आंसर शीट्स. सो इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे बच्चे ट्वेल्थ में हुए बिकॉज दे डिजर्व टू बी इन ट्वेल्थ. इट इज नॉट दिस एनी काइंड ऑफ फेवर दैट हैज बीन. कोई फेवर नहीं. अब दूसरी बात अबाउट क्लास 12. एवरी क्लास इज इम्पॉर्टेंट. देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. बट क्लास 12 इज द मोस्ट डिसाइसिव क्लास. क्लास 12 में ही आई मीन अगर बच्चे संभले रहते हैं तो दे हैव गॉट वेरी ब्यूटिफुल लाइफ अहेड ऑफ देम. They have got very beautiful future ahead of them and they have got very beautiful career ahead of them. Lekin agar wo class 12 mein fisal jate hain ji to fir aage ki jo zindagi hai wo fisalne wali hi rahegi. Kahin par bhi hum ye ummeed nahi kar sakte ki hamare bacche apne pairon par khade ho sakte. To ye zaruri hai ki hum apne bachchon ka dhyan rakhe. Aap bhi main baar baar shabd jo use kar raha hu wo hum use kar raha hu. आप और हमको मिलाकर हम बनते हैं कि हम बच्चों का ध्यान रखें. हम अध्यापक भी बच्चों का ध्यान रखें और आप माता पिता भी बच्चों का ध्यान रखें कि हमारे बच्चे कहीं पर भी स्लिप ना करें. बच्चे भी यहीं पर हों कि एक तरह से उनको भी यही बात कह रहा हूँ कि भाई आप अगर ट्वेल्थ में स्लिप कर जाए तो फिर जीवन में कभी भी अपने पैरों पर नहीं खड़े हो सकते. स्कूल में हम बच्चों को सभी अध्यापक यहाँ पर हैं. हम बच्चों को अच्छे ढंग से तब तैयार कर पाएंगे अगर आप बच्चों को कंफ्यूज ना करें. उज़मा मैडम और अनुराधा मैडम आपके बच्चे की तैयारी हो रही है तो आप प्लीज चाहें आप बच्चों को पढ़ाएं. तो मीन्स बच्चों को हम अच्छे ढंग से तब पढ़ा पाएंगे अगर आप बच्चों को कंफ्यूज ना करें. कंफ्यूज करने का काम अक्सर मजा आता है. कैसे ना बोला एक बच्चा है कि वो एक इम्तिहान की तैयारी कर रहा है और दूसरी तरफ एक बच्चा है दो इम्तिहानों की तैयारी कर रहा है. एक ही वक्त पर दो इम्तिहानों की तैयारी. आप ही मुझे बताएं एज ए मैटर ऑफ कॉमन सेंस कौन से बच्चे की तैयारी ज़्यादा अच्छी हुई है, जो एक इम्तिहान की तैयारी कर रहा है या जो दो इम्तिहानों की तैयारी कर रहा है. एक ही तैयारी अच्छी हो सकती है. हम क्या करते हैं कि भाई अब तुम ट्वेल्थ में हो गए हो कि तुम आईआईटी की तैयारी भी साथ में करो, AIEEE की तैयारी भी साथ में करो और ट्वेल्थ की तैयारी भी साथ में. हाउ कैन वी रियली एक्सपेक्ट वेरी गुड रिजल्ट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ चाइल्ड विल बी कंफ्यूज कि मेरे लिए कौन सा टेस्ट जरूरी है. वो यहाँ पे आता है हम कहते हैं ट्वेल्थ बहुत जरूरी है जी, और फिर कहीं और पर जाता है वो कहते हैं ये वाला टेस्ट बहुत जरूरी है. कभी यहाँ कभी वहाँ. चाइल्ड इज इन ए स्प्लिट स्टेट ऑफ माइंड. मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ. कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है. इन दैट प्रोसेस वो क्या क्या करता है वो किसी का भी कहना मानना बंद कर देता है. किसी की भी रिस्पेक्ट करना बंद कर देता है. तो दोनों ही परेशान कर रहे हैं. ये भी परेशान कर रहे हैं, स्कूल वाले भी परेशान कर रहे हैं और जो दूसरे जहाँ मैं जा रहा हूँ वो भी परेशान कर रहे हैं. ठीक. एंड दिस काइंड ऑफ चाइल्ड usually underperforms. Usually is the wrong word. Always underperforms. इस प्रकार का जो बच्चा है जो कर सकता है वो उससे बहुत कम करता है. उसमें आप भी मुझे प्लीज बताएं ये जो इतने अच्छे बच्चे होनहार बच्चे जो आज मेरिट पर क्लास 12 में हुए हैं इनसे क्या हमें कोई अच्छी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए. और अगर रखनी चाहिए तो क्या हमें इनको क्लैरिटी देनी चाहिए या इनको कन्फ्यूज करना चाहिए. एक ही. और दूसरा प्रश्न है आपसे कि एक बच्चा एक जगह पढ़ने जा रहा है, स्कूल की पढ़ाई कर रहा है जी, स्कूल में रोज जाता है, स्कूल के सारे पीरियड्स उसके रोज लगते हैं, सभी सब्जेक्ट टीचर्स उसको अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज स्कूल में कंडक्ट की जाती हैं,
जिससे कि बच्चे की शख्सियत में भी निखार आता है, बच्चे की पर्सनैलिटी में भी निखार आता है। वो पर्सनैलिटी में निखार आता है, शख्सियत में निखार आता है, इसलिए वो निखार लाने की जरूरत हमें जरूरत महसूस की जाती है ताकि बच्चा भविष्य के लिए तैयार। जी उसको भविष्य के लिए तैयार करने का जिम्मा आपने किसको दिया? स्कूल को, स्कूल को दिया जी। लेकिन साथ ही उसको कहा कि ठीक है ट्यूशन पे भी जाओ। जिम्मेवारी एक को दे रहे हैं, ये उसको दो जगह रहे हैं, क्या आप फिर उसको कंफ्यूज नहीं कर रहे? आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि बच्चा दो स्कूल अटेंड करे या एक स्कूल अटेंड करे, आप डिसाइड करें। और अगर वो दो स्कूल अटेंड करेगा तो किस तरह से हम उसकी मदद कर रहे हैं? हमने भी उसकी मदद करनी है। अगर उसकी मदद हो रही होगी तो हम जरूर इंकरेज करेंगे कि उसको दो जगह जाना चाहिए जी, मेरे मुताबिक, मेरे साथियों के मुताबिक। ये जो अप्रोच है कि बच्चा दो जगह पढ़ाई करे, ये बिल्कुल गलत है। पर आप इसके बारे में बताएं, हम बिल्कुल बैठे हुए हैं, कोई क्या व्यू पॉइंट रख सकते हैं? सर वो तो बच्चे के ऊपर है ना, अगर वो जाने का बोले नहीं मेरे को ट्यूशन लगाना है तो आपको आपने एक बच्चों को अपने बारे में, अच्छे बुरे के बारे में आपको लगता है कि वो इतने परिपक्व हो गए, इतने मैच्योर हो गए कि वो अपना अच्छा बुरा सोच सकते? अभी 14 साल का बच्चा है या 15 साल का बच्चा है? ज़्यादातर बच्चे जो फैसले लेते हैं वो किस तरह से लेते हैं? वो ये काम कर रहा है मैं भी कर रहा हूँ, मेरा साथी कर रहा है मैं भी करूँगा जी। वहाँ पर वो बड़े फ्रेंड्स आ रहे हैं, मैं भी वहाँ जाऊँगा। इस तरह से ज़्यादातर उनके डिसीशंस होते हैं जी? उनका अच्छा या बुरा या तो आप जानते हैं जी या हम जानते हैं, और जिम्मेवारी या तो आप देंगे या हम देंगे। और अगर आप भी जिम्मेवारी ले रहे हैं और हम भी जिम्मेवारी ले रहे हैं जी, यहाँ तो हो कि हम जिम्मेवारी नहीं ले रहे, फिर आप किसी और जगह जरूर भेजिए। लेकिन जब हम मुकम्मल जिम्मेवारी दे रहे हैं तो उसका सबूत क्या है कि हम इम्तिहान चल रहे हैं 12th क्लास जी, और आज भी बच्चे हमारे पास आ रहे हैं और हम उनको पढ़ा रहे हैं, इम्तिहान तक छोड़ने जा रहे हैं। उनका जो अध्यापक उनको क्लास में पढ़ा रहा है उनको छोड़ने जाता है वहाँ पर, रास्ते में कोई पूछना तो पूछ लो जी, नहीं तो एक महीना के अध्यापक आराम करते। But that is really very good initiative. I appreciate it. That's really really good. No other school do that. I'm not saying we are not indulge in any kind of comparative studies. Which school does this or which school doesn't do this? We are not into any kind of comparisons. Everybody is doing, quality work, and we are doing quality work in our own way. But we are very, as a parent, we are very happy and satisfied that okay, now in 12 at least they will be having a complete assessment. So then, if suppose, we are providing complete hand-holding to our children, हम मुकम्मल hand-holding बच्चों को दे रहे हैं, तो वो hand-holding effective और impactful तब होगी जब आपका सहयोग मिलता है। और अगर वो आपका सहयोग फिर नहीं मिलता, फिर हम इन बच्चों के कहने के ऊपर, ठीक? या तो आप बच्चा कहता है जी मुझे इस सब्जेक्ट में ट्यूशन चाहिए, ठीक? तो आप स्कूल में आए, you share this thing with us, right? We will prove it is not required. Child has to be regular in the school. Whichever classwork is done, that should be complete. वो complete होना चाहिए. Whichever homework is assigned, that should also be done by the child. वो भी बच्चा करे. जो test dates हैं, उन test की preparation भी school में करवाई जाती है. On that day also the child should be available. ये नहीं कि test है तो तैयारी करो, वो भी school में करवाई जा रही है. Whichever lapses were there at our end, okay, we have already worked upon that. Now, day after tomorrow when the class is going to start, वो lapses are there. पूरे का पूरे साल का term plan हमने तैयार कर रखा है, कौन से दिन कौन से अध्यापक ने कौन सा काम करवाना है, दिन दिन का हिसाब हमारे पास है, दिन दिन का हिसाब हमारे पास है। तो जब इतनी तैयारी हमारी है जी, तो वो है तो हमें हमारे बच्चों के लिए, इसलिए हमने उनको किसी भी तरह से कंफ्यूज नहीं करना, हमारी किसी भी तरह से कंफ्यूज नहीं करना है। ये आप सबसे गुजारिश है, और अगर आप ट्यूशन के लिए फिर भेजेंगे तो हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, हम क्लास 12 में वी विल नॉट टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं रोज जाके क्लास में हेड काउंट नहीं करूंगा कि आज कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया। हमारा काम बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए होना चाहिए, ना कि उनकी गिनती काउंट करना हमारा काम होना चाहिए। ठीक,
एज पर द बोर्ड गाइडलाइंस, जो बोर्ड की गाइडलाइंस है, 80% अटेंडेंस इज मैंडेटरी, और अगर मान लो 79.9% होती है तो वी विल नॉट परमिट द चाइल्ड टू सिट इन द एग्जाम. इट इज एज क्लियर एज एनी. दिस मच ऑफ अटेंडेंस इज वेरी वेरी एसेंशियल. बच्चों को हमने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना. वी हैव टू गिव देम कंप्लीट क्लैरिटी. दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स हु आर प्रेजेंट. आई होप दैट एवरीबॉडी विल कोऑपरेट. और अगर भरोसे की कमी है तो फिर स्कूल ही सही नहीं. अगर भरोसा नहीं है, मान लो इतना कुछ स्कूल कर रहा है, उसके बावजूद पेरेंट्स आर नॉट रिपोजिंग फेथ इन अस, उसके बावजूद पेरेंट्स आर नॉट गिविंग टू रिपोज फेथ इन अस, मोर देन दिस वी कैन रन. सो नो फॉल्स होप्स, कोई फॉल्स होप्स नहीं, कोई झूठी उम्मीदें नहीं. स्पष्ट रूप से कि हमारे बच्चों को कृपा करके स्कूल रेगुलर भेजें, रेगुलरिटी को एंश्योर करें. रोज से रोज के रोज आप उनसे फीडबैक लें, आए स्कूल गए थे, पहले पीरियड में क्या हुआ, दूसरे पीरियड में क्या हुआ, तीसरे पीरियड में क्या हुआ, चौथे में, पाँचवें में, छठवें, सातवें में, एक एक पीरियड का फीडबैक लें. वी विल बी वेरी तो अगर मान लो ये सब कुछ आई मीन हम करेंगे तो बच्चों का फायदा हो. अगला जो क्वेश्चन है मेरा आपसे, जी वो ये है, क्लास में बच्चा सुनता है, क्लास में बच्चा लिखता है, क्लास में बच्चा पढ़ता है, पूछे गए प्रश्न का जवाब देता है या प्रश्न पूछता है, इसके अलावा बच्चा कोई कुछ नहीं करता, चाहे वो ये स्कूल हो या कोई भी स्कूल, तो बच्चा फिर सीखता कब है, समझता कब है? बच्चा सीखता और समझता कब है? जब बच्चा घर जाकर क्लास में सुनी हुई बात को, लिखी हुई बात को, पढ़ी हुई बात को दोहराता है. चिल्ड्रन आर ऑल्सो सिटिंग हियर, ओके, एंड आई कुड सी मरियम स्माइलिंग, क्योंकि ये बातें कई बार पहले बच्चों के साथ हो चुकी हैं, आज पेरेंट्स के साथ भी हो चुकी हैं. जब वो क्लास घर में जाकर रिवाइज करेगा तो चीज को सीखेगा और समझेगा, ठीक, और उसको एहसास होगा, ओह हाँ सर ने ये बताया था, हाँ मैडम ने ये बताया था, अब समझ में आया. ये रिएक्शन होंगे बच्चों के कब, जब वो घर जाकर दोहराएंगे. लेकिन अगर हम उनको दोहराने का समय ही नहीं दे रहे, फिर घर पहुंचो, आधे पौने घंटा रिलैक्स करो, देन पिकअप योर बैग एंड गो टू द ट्यूशन सेंटर. कि अब ट्यूशन सेंटर जाओ, अब वो 4 बजे ट्यूशन सेंटर पहुंचता है, 7 बजे 7:30 बजे वहां से वापस आता है. वेयर इज द टाइम, वेयर इज द एनर्जी टू डू एनी काइंड ऑफ सेल्फ प्रिपरेशन. सेल्फ स्टडी के लिए, रिविजन के लिए, दोहराई के लिए उनको कौन सा समय दे रहे हैं? तो उनके भले के लिए भी, स्कूल के भले के लिए भी, और अपने भले के लिए भी, बच्चों को जगह जगह भेजना अदरवाइज भी सेफ नहीं है. कि यहाँ पर वो हमारी निगरानी में रहते हैं, जो अनुशासनहीनता होगी हमारी नजरों में आएगी, हम उसके ऊपर काम करें. जब हमारी नजरों में नहीं है तो कोई अनुशासनहीनता रहेगी तो किसकी नजरों में आएगी, कौन काम करेगा, किसको जाके आप कहेंगे? तो उनकी सुरक्षा के लिए, उनके अनुशासन के लिए स्कूल आए, स्कूल से घर जाएं. दिस इज द बेस्ट वे टू एजुकेट. क्लास 12 में बच्चों को जो यंगस्टर्स अक्सर करते हैं उसे अलग काम करना होगा. अक्सर यंगस्टर्स मौज मस्ती करते हैं, राइट? अक्सर यंगस्टर्स को ये होता है, लेट्स हैव फन, दिस एंड दैट. लेकिन 12th स्टैंडर्ड में अनलाइक यंगस्टर्स आपको बिहेव करना होगा. यू हैव टू हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑन योरसेल्फ, अपने ऊपर पूरा नियंत्रण रखना होगा, अपने फ्यूचर को, अपने गोल को, अपने लक्ष्य को दिमाग में रखना होगा, खुद पे भरोसा रखना होगा कि यस वी कैन डू दिस. जो बच्चे आपकी तरह जीवन व्यतीत करते हैं, अनुशासन वाला, नियंत्रण वाला.